गए हैं हमारे स्टूडियोज में। कुणाल से बात करते हैं आपकी। ये देखिए क्या हुआ आज, बाजार का चार्ट देखिए, 217-200 वापस सपोर्ट लेके फिर रिबाउंड। हाँ, काफी अच्छा हुआ आई थिंक मेरे अनुमान से। अच्छा, बहुत ज्यादा बुलिशनेस हो रही थी मार्केट्स में, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिज्म कहेंगे हम, वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, वो हो रहा था। तो आई थिंक एक अच्छा है कि एक डोज मिल गया बाजार को, एक मार्केट्स की मूड टेंपर ऑफ हो गई है। जैसे बाजार, जैसे आपके तो बच्चे भी हैं, जब बच्चा बहुत शरारती होता है, ज्यादा उछल कूद मचा रहा है, तो थोड़ा सा हल्का सा डोज देके थोड़ा शांत रहो, काम डाउन कर जाओ, वैसा हो गया बाजार। वैसे ही हुआ है, आग दिखाने जैसा ही है, क्योंकि मार्केट इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग लग रही है कि छोटे छोटे करेक्शन टिक ही नहीं पा रहे हैं। करेक्ट, वही हुआ है, बार बार बुल्स की पॉकेट्स को चेक कर रहे हैं, बुल्स की पॉकेट में कितना दम है। 17,200 हमने ऑफकोर्स कल और परसों हमने दो बार बचाया। आज 17,200 के नीचे एक बार इंट्राडे इंडेक्स गई थी, बट वहां पे मेरे अनुमान से शायद थोड़े से, बिकॉज आज एक्सपायरी डे है, वीकली एक्सपायरी डे, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ऑप्शंस की जो M2M हिट होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाती है ऐसे ऐसे डेज पे, तो ट्रेडर्स काफी निम्बल फुटेड हो जाते हैं। तो नेट नेट जब हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो 17,200 को शायद हम प्रोटेक्ट कर ले। बट अगर बार बार इस लेवल को टेस्ट करके हम भले बाउंस कर रहे हैं, बट अगर जितनी बार टेस्ट कर रहे हैं वो एक इंडिकेशन है कि शायद हम इस लेवल को तोड़ भी दें आने वाले कुछ एक दिनों में। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एक वॉलेटाइल जोन में आ चुके हैं, अपर एंड ऑफ द रेंज शायद हम कैप कर जाएंगे 17,500 के आसपास, और लोअर एंड हम शायद मार्केट डिसाइड करेगा आने वाले कुछ एक दिनों में। हो सकता है कि 17,200 के लेवल्स को भी ब्रेक कर दे और 17,000 तक भी इंडेक्स आने वाले कुछ एक दिनों में आ सकता है। लेकिन अब बैंकिंग इंडेक्स जिस तरह से इस पर थोड़ा सा जिटरीनेस दिखा रहा है, नर्वसनेस है क्या MPC से पहले बाजार को, क्योंकि बहुत हद तक तो ये बात हो रही है कि शायद 35 to 50 BPS रेट्स जो है वो प्राइस इन है इस वक्त। बेट्स आप क्या ले रहे हैं, बैंकिंग पे कोई बेट समझ आ रही है? तो आई थिंक ये इवेंट भी एक इंपॉर्टेंट फेस होता है, जहां पे इट्स बेटर के उस इवेंट को पैन आउट होने दीजिए, जितना ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी क्यों ना हो। हम जानते हैं कि शायद ये रेंज जो इंटरेस्ट रेट का है वो करीबन 40-50 basis points के आसपास ही होगा, बट जितना ही ज्यादा मार्केट जल्दी फैक्टर इन कर ले उतना ही ज्यादा मार्केट्स के लिए भी बेटर होगा, बिकॉज अनसर्टेनिटी जब बाहर हो जाती है मार्केट्स पे, तब हम कहते हैं कि वॉलेटिलिटी भी ड्रॉप डाउन हो जाती है। आज की इंडिया विक्स की जो राइस है ये भी एक ज्यादा टेंटेटिव है, बिकॉज ये भले कि इवेंट के पहले की वॉलेटिलिटी राइस है, बट अगर ये आने वाले कुछ दिनों में सबसाइड नहीं होती है, तब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के हम डाउनसाइड भी लेवल्स ब्रेक कर दे इंडेक्स में। बट इस लिहाज से मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंसिव टिल्ट रखूंगा पोर्टफोलियोज का या ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के लिए। पहला सिप्ला पे मेरा बाय कॉल रहेगा, मेरे अनुमान से स्टॉक एक 13 month के स्लंबर से बाहर निकल रहा है, कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से एक मल्टी मंथ की रैली पे स्टार्ट कर ले अपनी जर्नी को, तो इसको बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। स्टॉक 1030 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे अनुमान से 1100 का एक पोजीशन टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 998 का रख सकते हैं। लाल पैथ लैब्स भी एक ऐसा स्टॉक है जो ब्रेकआउट या कंसिस्टेंसी दिखा रहा है लास्ट 1 week में, लेस वॉलिटिलिटी मोर कंसिस्टेंसी, ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है लाल पैथ लैब्स में भी, तो इसको भी बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। 2500 का इमीडिएट टारगेट, स्टॉप लॉस 2300। बिल्कुल कुणाल, इनफैक्ट इफ यू कैन ना, हम थोड़ा सा और टाइम भी चाहेंगे आपसे, लेकिन इस बीच इंडिया विक्स का ट्रेंड क्योंकि हम समझना चाहते हैं आपसे, लेकिन नरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अदानी टोटल के नंबर्स भी हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं। आय जो है वो बढ़त के साथ आती हुई नजर आई है, 522 करोड़ से 1,110 करोड़ की आय ऑन द फेस ऑफ इट, सिर्फ रेवेन्यू के फिगर्स हैं, नंबर्स फिलहाल रिएक्ट यहाँ पर स्टॉक प्राइस में नहीं कर रहे हैं ज्यादा जानकारी। जैसे जैसे नंबर्स के मार्जिन और कामकाजी मुनाफे के फिगर्स आएगी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होती रहेगी। नुरेश गुड आफ्टरनून, बताएं आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वीकली एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटाइल ट्रेंड तो नजर आ रहे हैं, साथ ही ट्रेडिंग पिक्स। सो ओवरऑल आज का जो मूव है उसमें एक ही चीज देखने में जो आ रही है, जो डाउनटेक्स आए इंडियन मार्केट्स में, चाइना ताइवान एक्सेट्रा के जो ट्वीट्स एक्सेट्रा पे आए, उसी दौरान एक सिमिलर डाउनटेक नहीं आया डाउ डैक्स इवन निकेई फ्यूचर्स कहीं पे भी। सो ये एक वोलेटिलिटी है, क्योंकि सबसे पहले आज वीकली एक्सपायरी है, प्लस कल आरबीआई पॉलिसी है, तो थोड़ा बहुत विक्स का भी इफेक्ट है, थोड़ा बहुत जिटरीनेस भी है, और काफी कंप्लेसेंसी भी हो गई थी मार्केट में, क्योंकि लास्ट 5 दिन से वन वे मार्केट्स अप जा रहे थे। सो ओवरऑल अगेन दूसरा पार्ट ये है कि भाई इसमें 17,150 से 200 का जो सपोर्ट है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, वो ब्रेक होगा तो जाके थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, बट तब तक स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक बुलिश रहेंगे, बट अभी थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि 2000 से 2400 पॉइंट का मूव आ चुका है नीचे से। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन रहेंगे, रिपीट रहेगा बायोन सन फार्मा, जो एक रीटेस्ट कर रहा है, अब स्टॉप लॉस हो जाएगा 900, टारगेट होगा 950। दूसरा रहेगा बायोन जुबिलेंट फूड्स, जिसमें अभी भी ब्रेकआउट होना बाकी है, बट वो 560
के आसपास से सपोर्ट ले रहा है, 580 590 के ऊपर इसमें अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। सो प्रीएम्प्टिव रहेगा क्योंकि पूरे सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है, इसको छोड़ के स्टॉप लॉस होगा 558, टारगेट 620 शॉर्ट टर्म में। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नरेश की तरफ से। नरेश थैंक्स, ये स्टॉक्स और साथ ही ट्रेडिंग